हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से WBG 2024 में OMR भरना है, ठीक है, किस कौन कौन सी गलती को हमें करना है, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, एंड किन किन तरीकों से हमें OMR को फिल करने पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा करेक्ट होने का चांसेस है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम लाइव यहां पर आपको जो OMR सीट है उसको फिल करके हम दिखाएंगे, ठीक है। OMR को भरते समय हमें क्या क्या चीज भरना है, रोल नंबर, बुकलेट नंबर, क्या क्या चीज भरना है, नाम भरना है, क्या भरना है, नहीं भरना है, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वहां पर आपको जब एग्जाम के अंदर जाओगे तो बहुत सारा नोटिस मिलता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताया जाता है, तो बच्चा ऑलरेडी उसी चीज को भरने में आधा घंटा अपना वेस्ट कर देता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा वहां पर मिस्टेक हो जाता है, इस कारण से बच्चा बहुत सारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इस कारण से उसका एग्जाम अच्छा नहीं जा पाता है। तो इस केस के लिए इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आपको पहले से ही सब कुछ पता हो, ताकि वहां पर ज्यादा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज की वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला बात है कि OMR जो है वो आपका कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको फिल करना है उन चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहला जैसे कि बुकलेट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, इन सारी चीजों को आपको एकदम ध्यान पूर्वक भरना है, ठीक है। अगर बाय द वे आप इसमें कोई मिस्टेक करते हो, ठीक है, एंड आपका जो आपने क्वेश्चन को अगर सही भी लगाया है, तो अगर इन दो चीजों को अगर गड़बड़ करते हो, तो इस कारण से आपका जो है वो रिजल्ट बनने में दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट नहीं बन पाएगा, और रिजल्ट नहीं बनेगा देन फिर कोई फायदा नहीं कि आपने प्रिपरेशन क्या किया नहीं किया, ठीक है। तो इन सारे चीजों को जरूर से जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात, बुकलेट नंबर को या तो जो भी रोल नंबर है इसको जब हम लोग फिल करते हैं, तो उस समय में हमें यह देखना होता है कि जो ये जो नंबर है, ये नंबर कहां से मिलेगा, तो ये क्वेश्चन के सबसे फ्रंट पेज पे साइड में रहता है, एंड साथ ही साथ आपको यहां पर आंसर शीट में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उस नंबर को फिल करके उसके बाद जैसे मान लो अगर यहां पे 8 नंबर मैंने फिल किया, तो इसी के सामने वाले रो में यहां पर देखोगे 8 नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहां पर स्टूडेंट ने कलर कर रखा है। उसी प्रकार से जैसे यहां 2 नंबर को आपने कलर किया, तो उसी प्रकार से यहां पर भी आपको 2 नंबर को क्या करना है, इस तरीके से कलर करके रखना है, ठीक है। अगर 0 आपने यहां पर लिखा है, तो यहां पर 0 नंबर को आपको क्या करना है, यहां पर कलर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कलर करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम्स होता है इसके अंदर काफी सारे बच्चे इनरोल होते हैं, और ये जो एग्जाम का रिजल्ट आता है वो बाय मशीन चेक होता है, ठीक है। और मशीन आपकी गलतियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा, उसको कभी भी गलतियां दिखेगा बस रिजेक्ट है, ठीक है। इसलिए इन चीजों का ध्यान दें कि आप किसी भी टाइप का गलती ना करें, गलती करने पर आपका जो रिजल्ट है वो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है भाई, रोल नंबर भरना है। रोल नंबर को कहां से भरेंगे, तो एडमिट कार्ड के ऊपर आपका ऑलरेडी रोल नंबर आ चुका होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, ठीक है। किस तरीके से डाउनलोड करना है इस पर भी पार्टिकुलर वीडियो बन चुकी है, तो आप जाकर के देख लेना। तो रोल नंबर को इस तरीके से आपको फिल करके सेम इसमें भी उसी तरीके से कलर करना है, ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ मेथड्स होता है जो कि रॉन्ग मेथड होता है क्वेश्चन के आंसर को टिक करने के लिए, ठीक है। तो रॉन्ग मेथड कौन कौन सा है एंड करेक्ट मेथड कौन सा है। करेक्ट मेथड जो है वो बस एक ही मेथड है कि अगर आपके पास इस तरीके से 4 ऑप्शंस हैं, तो आप किसी एक ऑप्शन को जो आपके हिसाब से करेक्ट है उसको इस तरीके से कलर करना है, ठीक है, कि उसको इस तरीके से कलर करना है कि अगर वो ए नंबर को आप कलर कर रहे हो तो ए दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। और ए कॉलम का जो सर्कल है उससे अगर हल्का फल्का बाई मिस्टेक बाहर जाता है, तो उससे घबराना नहीं है, वहां पर आपको कोई भी रिजेक्शन वाला चीज नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा आप आउट कर देते हो तो उस केस में दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर हल्का फल्का बाई मिस्टेक अगर बाहर आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड दिस इज द करेक्ट मेथड, यही एक मेथड जो है जिसके थ्रू आप करेक्ट मेथड, यही बस एक करेक्ट मेथड, इसके अलावा जितना भी तरीका आप अपनाओगे सारा का सारा इनकरेक्ट होगा। जैसे कि रॉन्ग मेथड की बात करें, तो देखो यहां पर बी को मैंने कलर तो किया, लेकिन इसका सर्कल जो है वो एग्जैक्टली दिख रहा है, ठीक है, तो इस कारण से ये जो है गलत हो गया। उसके बाद दूसरा जो हम देख रहे हैं, इसमें क्या किया मैंने, बी को टिक किया है, बी को टिक किया, तो यहां पर टिक करने से नहीं होता है, मैंने क्या बोला कलर करना है, तो यह भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद बी को मैंने इस तरीके से क्रॉस किया है, तो यह भी गलत हो गया। बी को मैंने यहां पर क्या किया, हाफ कलर किया है, तो यह भी गलत हो गया। यहां पर मैंने क्या किया, बी और सी दोनों को कलर कर दिया, यहां पर बी पे क्रॉस लगा दिया, ये भी गलत है, ठीक है। अगर सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही को कलर करना है, एक से ज्यादा नहीं कलर करना, एक से ज्यादा कलर करने पर आपका जो मार्किंग है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, मार्किंग मिलेगा ही नहीं, ना माइनस मिलेगा ना प्लस मिलेगा, वो खत्म, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम बात कर ले मल्टीपल चॉइस वाले में, तो मल्टीपल चॉइस वाले में अगर आपको एक से ज्यादा करेक्ट है, तो उसको आप एक से ज्यादा करेक्ट वाले को, दो को, तीन को, जितना करेक्ट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है भाई। जैसे कि यहां पर मैंने ब्लैंक पेपर लेकर क्या रखा है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर वन का मान लो हमारे पास जो है बी ऑप्शन करेक्ट है, सी टू का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, एंड थ्री नंबर का आपको मान लो कौन सा ए नंबर करेक्ट है, ठीक है, और फोर का मान लो बी नंबर करेक्ट है। तो इस केस में क्या करेंगे भाई, तो ए नंबर का वन नंबर का अगर बी नंबर करेक्ट है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बी को क्या करना है, कलर कर देना है भाई, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर मान लो आपका क्या दूसरे का सी है, तो सी को आपको इस तरीके से कलर कर देना है। तो ये होता है करेक्ट मेथड, और इस तरीके से आपको, और उसी प्रकार से देखो यहां पर कैंडिडेट का सिग्नेचर वाला साइन आएगा, वहां पर आपको जाकर के क्या करना है, सिग्नेचर मारना है, ठीक है, सिग्नेचर छूटना नहीं,
चाहिए। इन्विलेजेटर का सिग्नेचर, वहां पर इन्विलेजेटर जो भी होंगे उनसे सिग्नेचर करवा लेना है, वो भी छूटना नहीं चाहिए। इन सारे चीजों को आपको क्या करना है भाई, फिल करना है, एकदम तरीके से फिल करना है ताकि आपका कोई मिस्टेक ना आए, ठीक है भाई। और इसी टाइप की आपको करेक्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर मैं मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ला रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट हो चुका है, दूसरा मॉक टेस्ट जो है वो आप सभी बच्चों के लिए आ रहा है आज शाम 4:30 PM पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से कम एक जगह पर आप जाकर के ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है वो सबसे पहले मैं वहां देता हूं, देन फिर वीडियो यहां पर आती है, ठीक है। तो इसलिए आप जाकर के फटाफट जाकर के सब्सक्राइब कर लो, दोनों ही चीज को ज्वाइन कर लो, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो एंड मचाते रहो। बाय एवरीवन।